कांग्रेस के महाधिवेशन का ये दूसरा दिन है और आज सोनिया गांधी ने संबोधन दिया है। सोनिया गांधी ने जो संबोधन था उनका बहुत संक्षिप्त था, लेकिन उस संबोधन में उन्होंने राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि राहुल की यात्रा ने कांग्रेस को एक नई ताकत दी है और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि आरएसएस से लड़ने के लिए कांग्रेस को और ज़्यादा सशक्त होना पड़ेगा। इसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ें हैं उनमें जो संशोधन को मंजूरी मिली है वो हैं, जिनमें अब कांग्रेस की जो मेंबरशिप है वो डिजिटल मेंबरशिप होगी। कांग्रेस डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रही है, आप ऐसा कह सकते हैं। जो 50% पद हैं रिजर्व कैटेगरी के भी, उनमें भी 50 वर्ष से कम और महिलाओं के लिए भी वो समाहित हैं, यानी 50% जो पद आरक्षित होंगे उसमें 50 वर्ष से कम और महिलाओं के लिए दोनों चीज़ें उसी 50% में शामिल की गई हैं। फॉर्म जो होगा, जो डिजिटल फॉर्म होगा, उस फॉर्म में अब थर्ड जेंडर का भी ऑप्शन होगा। उसके अलावा पहले सिर्फ पिता का नाम लिखा जाता था, लेकिन अब माता का नाम भी उसमें दर्ज होगा। और जो PCC डेलीगेट के आधार पे AICC डेलीगेट बनते थे उसमें भी संशोधन हुआ है। अब ये बताया गया है कि जो पंचायत से लेकर जिला परिषद, नगर पालिका, नगर निगम से जो चुने जाएंगे वो सीधे डेलीगेट्स बन जाएंगे। और महत्वपूर्ण जो परिवर्तन हुआ है AICC डेलीगेट के लिए उसमें ये है कि अब 6 PCC डेलीगेट पर एक AICC का मेंबर डेलीगेशन तय हो जाएगा और AICC मेंबर की संख्या बढ़ के 1630 हो गई है। तो इन संशोधनों के साथ जो अभी तक का महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम है वो यही है कि सोनिया गांधी ने संबोधन दिया है, राहुल की तारीफ की है, RSS से लड़ने के लिए और सशक्त बनाने की बात की है, और जिन महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई है वो मैं आपसे पहले आपको बता ही चुका हूँ। याज्ञवल्क, द सूत्र, रायपुर। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।